कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजिन बहन पहुंची तो मंजर देखकर वो सहम गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसकी हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था, चारों तरफ बस खून ही खून फैला था। जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ी थी। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रुएल्टी की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वो किसी भी कंडीशन में जिंदा ना बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। वेलकम टू द शो, यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द हेडलाइंस विद शाश्वत। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता के एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजों से किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पला था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफी सटे हुए भी हैं, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को तो जरूर सुनाई दे जाता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट, ना ही वो डॉग किसी पर भौंका। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिला नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने शुरू किए, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक सा हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर माँ ने पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उनके घर आना जाना था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है, इसलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं जिससे कन्फर्म हो कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर है। लेकिन जब इशरत की सीडीआर निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, यानी 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर हर रोज घंटों बात होती थी, देर रात 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप के मैसेजेस रिट्रीव करवाए और वो मैसेजेस ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को खुद भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहां तक कि उसमें कुछ उस तरह की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। श्रेयांशु की मां शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने आस पड़ोस से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी, शांता अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट इन सभी बात का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? सिर्फ इशरत का फोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम पर उसी एरिया में उसी गली में दिखाई दी थी, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए हुए इशरत फिर शांता को उठा लिया। इंटरोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने साथ दिया है। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी, बट अब सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को
इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं, और ना ही ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वो समझ गया कि ये सब गलत है, पर वो बोले तो बोले क्या और किससे बोले? अपनी मदर को यूं देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था, वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतज़ार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही अब कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुँचा हो। इशरती सिर्फ कैमरे में कैद इसलिए हुई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना था उसी रूट पर कैमरा लगा था। वहीं शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और उस साइड कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं था। इससे उनको क्लियर हो गया था कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम किसी घर वाले का है। तो ये था आज का केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि इससे भी भयानक क्राइम हो सकता है। प्लीज़ रॉन्ग को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी केसेस ला सकें।